अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। बहुत ही सनसनीखेज खबर कह सकते हैं। वैसे कोरोना दौर गुजर कर काफी अरसा गुजरा, यूं कहिए कि 2 साल हो गए। खैर, लॉकडाउन, कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और मौतों के आंकड़ों में होता जबरदस्त इजाफा, एक अजीब कैफियत उस वक्त देखी जा रही थी। पर आज कोरोना के उस दौर को याद करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा कि कोरोना के असरात अब सामने आ रहे हैं। यकीनन कोरोना को लेकर दुनिया में मुख्तलिफ राय देखी जा रही थी। आज भी कुछ लोग इस साजिश कहते हैं, आज भी लोग दो धड़ों में बटे हुए पाए जाते हैं, तो कुछ हकीकत कहते हैं तो कुछ कश्मकश में है कि क्या वाकई ये मर्ज था या WHO का शगुफा। खैर, जो भी है, पूरी दुनिया एक तरह से थम गई थी। मौजू की तरफ बढ़ते, कोरोना के असरात तेजी से नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कम उम्र के बच्चों में दिल का दौरा पड़ने की वारदातें बढ़ चुकी हैं और अब जाकर पहली मर्तबा वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने साफियों के सामने आकर कहा कि कोरोना मुतासिर लोगों को हार्ट अटैक के इम्कान ज्यादा हैं और अब कई नौजवानों को दिल के दौरे पड़ने की वारदातें पेश भी आ रही हैं। आपने देखा होगा कि शादियों में नाचते गाते या फिर बैठे बैठे दफ्तर में, दुकानों में, यहाँ तक कि जिम करते हुए भी मौत होते हुए वीडियोज देखने को मिल रहे हैं और बारहा सोशल मीडिया पर वायरल भी कई वीडियो देखे जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात में गरबा खेलते हुए, जैसा नवरात्रि था तो 9 दिन गरबा खेला जाता है, तो इस गरबा खेलते वक्त भी महज 24 घंटों में 10 कम उम्र लड़का लड़कियों की जान चली गई, जिसमें सबसे कम उम्र 13 साल की बताई जा रही है और सभी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतें अब चर्चा का मौजू बनी हुई है। कुछ लोग तो इसे वैक्सीन का भी असर बता रहे हैं। एस्ट्राजेनेका कोवैक्सीन को लेकर BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि वैक्सीन की वजह से खून में गांठियां होती है और कुछ अरसे बाद खून की सप्लाई में रुकावट का सबब बन जाती है, फिर दिल का दौरा भी हो सकता है। वैक्सीन को लेकर खबरों को आलमी सेहत तंजीम ने इनकार जरूर किया है, तो कुछ लोगों ने ड्रग माफिया की तरफ भी इशारा किया। लेकिन अब जब वजीर सेहत ने कोरोना जिन्हें हुआ था वो ज्यादा भागदौड़ या मेहनत मशक्कत वाले काम न करे, दिल का दौरा पड़ सकता है, इनके इस बयान के बाद एक बार फिर कोरोना का तस्करा देखने को मिल रहा है। वैसे जब से कोरोना आया है मुख्तलिफ पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। दुनिया भर की आबादी घटाने के लिए साजिश भी कही गई, यहाँ तक कि PPE किट को भी कटघरे में खड़ा किया गया। वैक्सीन कौन सी अच्छी कौन सी खराब, इसका भी तस्करा हुआ। यहाँ तक मास्क भी पहनना या नहीं पहनना और मास्क पहनने से किस तरह से सांस घुटती है वगैरह, तमाम बातों पर चर्चा की गई है। फिर अलग अलग दवाइयां भी इस दौर में कमाई का जरिया बनी हुई थी। रेमडेसिविर का तो काला बाजार चला हुआ था, किस तरह हर कोई अपनों की जान बचाने में लगा हुआ था। खैर, बढ़ते हार्ट अटैक और कोरोना का रिश्ता मंजरे आम पर आता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महज जिन्हें कोरोना हुआ था उन्हें ही अटैक आ रहा है या फिर वैक्सीन का भी कोई किरदार है। करोड़ों लोगों की जान बचाने का दावा कर सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है, पर हकीकत क्या है इससे तो लोग आज भी अनजान नजर आ रहे हैं। वजीर सेहत का बयान बहुत कुछ कह जाता है। क्या जिन लोगों की मौत हो रही है इनकी जानकारी ली गई है, क्या इन्हें कोरोना हुआ था या महज वैक्सीन के असरात थे वगैरह की तफसीलात अभी आने बाकी हैं। BBC की एक सहाफी BBC रेडियो के लिए न्यूज एंकर थी और वो वहां खिदमात अंजाम दे रही थी, जिसका नाम लीसा शॉ था। इस खातून की उम्र 44 थी और जैसे ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला टीका लगा लिया तो 3 ही हफ्ते में इसकी मौत हो गई। मामला एक बार फिर से 2023 में यानी कि इस साल सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि वैक्सीन पर ही मुकदमा दायर किया गया है। अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें कोरोना वैक्सीन से लोगों में हार्ट अटैक से मौतों का जिक्र भी करने की बात कही है। सहाफियों के सामने उन्होंने इतना ही कहा कि हम कुछ नहीं जानते, इस वैक्सीन की वजह से हमने अपने घर के अफराद को खोया है। लीसा के शोहर गैरेथ यू ने कहा कि हमने हुकूमत से बारहा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ना तो वैक्सीन बनवाने वालों की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से किसी तरह का रद्दअमल नजर नहीं आया। ना सिर्फ गैरेथ यू बल्कि इनके साथ और भी 75 लोगों ने वकीलों के साथ वैक्सीन पर मुकदमा दायर किया है, जिनका कोई ना कोई इनके घर का फर्द वैक्सीन की वजह से मर चुका है। खैर, अचानक मौत की वारदातों ने एक बार फिर कोरोना और वैक्सीन दोनों को भी कटघरे में खड़ा किया हुआ है। इतना तो जरूर है कि कोरोना से मुतासिर लोग और टीका लगाए हुए दोनों भी सोचने पर मजबूर है। इसके पीछे की असल कहानी जब आएगी तब आएगी, लेकिन कोरोना के 2 साल बाद आज भी मौत का साया मंडरा रहा है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। बेलगाम की सियासत सरगर्म होती जा रही है। आज साबिक मेयर, साबिक डिप्टी मेयर ने रीजनल कमिश्नर से मुलाकात फरमाकर कारपोरेशन की गिरती साख पर तबादले ख्याल किया। साबिक मेयर और MLA रमेश कुर्ची ने बताया कि बूढ़ा की जमीन से 28 गांवों को कारपोरेशन में दाखिल करना भी गैर कानूनी बताया। मेयर के घर पर इस तरह नोटिस चस्पा करना भी अफसोसनाक कहा। नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑफिसर्स एंड द मेयर्स एंड द All this started because of one fine, a fisheries fine which was this year. And I'm
providence is a general file, every providence is there. Is it changed every year? No, sir. No, sir. The providence file is missing. And after that, some allegations, counter allegations against each other, there, which was not in the interest of the citizens, or even a good administration or a smooth handling of the issues. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಯರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಆದವರು ಇದೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ಇದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಚೆ ಬಂದಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಪಕ್ಷದವರು ನಾನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಅವ್ರ ಪೈಕಿದವರು ಅವ್ರ ಭಾಷಕರು ಬೇರೆ ನಾವು ಭಾಷಕರು ಬೇರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಗೆ ಏನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ आज फिर से साबिक वजीर रमेश जारकिहोली ने साफियों को बताया कि सीडी मामला सीबीआई को सौंपा जाए लिहाजा सीडी मामले के पीछे डीकेशी होने की बात कही ನಾನು ಸಿಡಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಟ್ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮದ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಎಟ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ ನಿರ್ದಿಲ್ದ ಇದ್ದಂಥ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖ ಕಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾಶಿವ ಕೇಸನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನೀಗ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ आज रमेश जारकिहोली के मुखालफत में और गोकाक में कानून नज्म जब्त किस कदर बिगड़ी हुई इस पर महंतेश कड़ाडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी इस वक्त दस्तगीर पहलवान भी मौजूद थे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़ शुक्रिया अल्लाह हाफिज नम गोकाक शासक निन्ने प्रेस मीट प्रेस मीटली तमदे इमेजिनेटिव विषय बालिशतन ಒಂದು ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹಗುರಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅತಿ ಹಗುರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಲಿಸತನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಲಿಶತನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ